हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाति का संसार। आप सबका स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था और आसमान में काले काले बादल पूरे छाए हुए थे। मैंने सोचा अरे वाह, आज तो मूड ही बन गया पूरा कि अरे सुबह के साथ। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मौसम का फ़ायदा उठाते हुए कुछ बनाया जाए। तो मैंने सोचा इतना अच्छा मौसम किया है तो क्यों ना बनाया जाए आलू पूरी। मैंने फटाक से तैयारी उसकी शुरू की, आलू बॉईल किया, आटा लगाया और फटाक से मैंने आलू पूरी तलने के लिए डाल दिया। और ये देखिए आलू तल रहे हैं, आलू पूरी तल रही है। और भाई मौसम का डिमांड के अनुसार आज गर्मा गर्मा इस तरीके का अगर नाश्ता मिल जाए तो क्या ही कहना। आप लोग बताइएगा किस किस को इस तरीके का नाश्ता पसंद है बारिश में। मैंने सोचा कि चलो बारिश होगी तब तक मैं तैयारी करके बना लेती हूँ। ऐसा करके मैंने सोचा चलो मौसम का थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है, अगर इसमें बारिश होती तो और मज़ा आ जाता। लेकिन गर्मा गर्म पूरी ये देखिए मेरी निकल गई, लेकिन उसमें तो बारिश हुई नहीं थी। मैं ऐसे सोच ही रही थी और अपनी पूरियों को तलते जा रही थी कि चलो सबको गर्मा गर्म नाश्ता कराऊंगी मौसम के अकॉर्डिंग, थोड़ा सबका मूड फ्रेश हो जाएगा। रोज़ रोज़ एक ही तरह का नाश्ता करके सब उठ जाते हैं। ऐसे मैं सोच ही रही थी तभी ज़ोरदार बारिश आ गई, यानी जो आसमान में काले बादल थे वो बरस ही गए। तो भाई ये तो भाई सोने पर सुहागा हो गया, एक तो काले बादल ऊपर से ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। और उसके बाद मैंने सोचा चलो आज आलू पूरी का मज़ा लिया जाए। तो मैंने आलू पूरी बनाया गर्मा गर्म, उन्हें देखिए कितने टेस्टी, बहुत ही टेस्टी बने थे। और उसके साथ भी आलू पूरी बारिश हो तो चाय कैसे छूट सकती है। जो लोग टी लेवर हैं मैं तो उनके लिए चाय तो ज़रूरी है। तो गर्मा गर्म आलू पूरी मैंने बनाया और सबको खिलाया, और उसके साथ ही मैंने इधर साइड में चाय भी बनाई। और आलू पूरी और चाय और बारिश का मज़ा। कीप वॉचिंग फ्रेंड्स। कितने लोग ऐसे इन्जॉय करते हैं ज़रूर बताइएगा। स्वाति के संसार